Oi. वो एक किला है ना यहाँ पे, वो रिफ्यूजी मूवी की शूटिंग वगैरह हुई थी ना वहाँ, वो देखना चाह। वो देखना यार, ये जो रास्ता याद है ना। हाँ हाँ, बंद है। नालंदा से आता हूँ ना, तो मेरे यहाँ भी एक जैन मंदिर काफी मशहूर है वहाँ पे पावापुरी में। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, नारायण सरोवर कच्छ गुजरात। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मेरी एक राइड चल रही है कच्छ की, अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कच्छ को, और कल मैं पहुंचा था नारायण सरोवर। तो नारायण सरोवर ये जगह कल तो आपने वीडियो में देखा ही होगा सब, नारायण सरोवर के बारे में मैंने आपको बताया था। नारायण सरोवर की गिनती होती है भारत के कुछ सबसे पवित्र सरोवरों में। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक 5 पवित्र सरोवर हैं, इनमें नारायण सरोवर की गिनती होती है। ये 5 सरोवर हैं, मानसरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पुष्कर सरोवर। तो इनमें एक है नारायण सरोवर और मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो भाई यहाँ से एक पास में 1.5 किलोमीटर आगे कोटेश्वर भी है, कोटेश्वर महादेव, यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है। तो मैंने आपको कल वहाँ के भी दर्शन कराए, सनसेट दिखाया वहाँ से। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उसे और देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो अभी का ये है कि मैं यहाँ से नारायण सरोवर से निकल रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ मांडवी। मांडवी यहाँ से डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, तो टाइम लग जाएंगे मुझे 4-5 घंटे, और बीच में से कुछ और देखते हुए जाएंगे। शायद एक नलिया करके एक जगह ही आएगी, वहाँ पे कुछ जैन टेम्पल्स वगैरह हैं, तो वो देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज मैं रुकूंगा शायद मांडवी में, वैसे देखता हूँ, अपना प्लान तो कभी भी चेंज हो जाता है, लेकिन अभी तक के लिए ये है कि आज रात का स्टे मांडवी में करेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं मांडवी की तरफ। तो गाइस निकल रहे हैं इस धर्मशाला से और नारायण सरोवर से, एक बार खाली बता देता हूँ। सर चेकआउट हमारा, चाबी वो क्लीन कर रहे थे उनके पास है। थैंक यू। तो भाई आज का मौसम थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, धुंध छाई हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे धूल की बदली आ गई हो, काफ़ी धूल उड़ी हो। जैसे नारायण सरोवर से निकलते ही ये दिखता है वाटर बॉडी, रोड के दोनों तरफ पानी और बीच में से जाती हुई है सड़क, बहुत सुंदर दृश्य बनता है। और इस पानी में है कई तरह के पक्षी, वो उधर तैर रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारे हैं। एक इधर कहाँ भटक के आ गया रोड पे, पानी में जाओ भाई तू। ये यहाँ पे देखो आप, काफी बड़े बड़े पक्षी हैं। गांधीधाम 239, भोज 156, मांडवी 142, नलिया 68। तो सारे डिस्टेंस मैंने एक सांस में पढ़ लिया, वाह। तो भाई यहाँ से मैं सबसे पहले अभी जा रहा हूँ ना, एक पॉइंट मैंने अभी देखा था गूगल मैप पे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट। तो डिस्टेंस है यहाँ से सिर्फ 17-18 किलोमीटर का, तो पहले वहाँ जाता हूँ, वहाँ है तो कुछ नहीं, बस वहाँ पहुँच के सीधा वापस आ जाएंगे। और ये जंगलों से होके जाता हुआ रास्ता तो भाई मज़ा ला देता है, बाइक चलाने में फील आ जाती है ऐसे रास्तों पे। हो तो यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग भी है,
उम्मीद है ज़्यादा पानी नहीं होगा। बिल्कुल सही था। रामबाड़ा 30, पिपर 14.8 किलोमीटर, रोडासर 9 किलोमीटर, बोरंदा 18 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से बता रहा है डिस्टेंस मेरा 12 किलोमीटर का। देखते हैं, जाते हैं। 12 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो भाई मैं तो आया था वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखने के लिए और ये छोटी सी कॉलोनी दिख गई। एवं से कोई जाता नहीं थी? ओ बराबर। गाइस इधर किसी को कुछ पता नहीं है और मुझे भी पता नहीं है। एक कॉलोनी नई नई बसी है जैसा मुझे लग रहा है। तो क्या करूं? चलो ये पॉइंट हटाते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जाने का मिशन हो गया है फेल और अब हम वापस जा रहे हैं मांडवी की तरफ। यार वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखने का मिशन तो फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते रहने चाहिए आदमी को। तो मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ मांडवी की तरफ। वैसे तो ये रास्ता गूगल मैप पे भी बता रहा है, लेकिन मेरे आगे जो भैया जा रहे हैं लेकिन मेरे आगे जो भाई साहब जा रहे हैं उन्होंने बोला मुझे चलो मैं तुमको हाईवे तक पहुँचा देता हूँ और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। कौन सी नदी आ गई? वाटर क्रॉसिंग। भाई भाई मजा आ गया। कतई जहर। हाईवे अब सिर्फ 650 मीटर रह गया है। नहीं 650 और इधर ऊंट। भाई ये 10 किलोमीटर का सफर एक यादगार सफर बन के रह जाएगा। और ऊंटों का पूरा झुंड है यहाँ पे और इधर लोग खेतों में काम कर रहे हैं। अभी ऊँटो ने हमारा रास्ता रोका हुआ है। और भाई पैर चलाते हैं जबरदस्त। ये देखो चल। हाँ थैंक यू।
पीछे है नलिया। मैं पहुंचा हूं अभी नलिया और यहां पे एक जैन मंदिर की बड़ी तारीफ सुनी है, तो पहले उसे देखते हैं। इधर एक छोटा सा तालाब है। तथा शांतिनाथ जी जैन दराशर, जैन दरासर बहुत खूबसूरत मंदिर और बहुत बड़ा। अभी सर ने मुझे पूरे मंदिर की सैर करवा दी है, सब मैंने अंदर से देख लिया। अंदर से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, आप बाहर से देख सकते हो। और कभी इधर से आओ तो देखना तो बनता है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। पाँच मुल्ला का है, 11 देरी है, 111 प्रतिमा जी है और दरासर को 183 ईयर्स हुए हैं। अच्छा, ये 183 ईयर्स पुराने हैं। हाँ जी, 183। अच्छा, एक ही सेठ का दरासर, सेठ नरसिंह माता का, जिन्होंने बनवाया है। ओके, तो इसका मतलब काफ़ी नाम सुना है मैंने। हाँ, कुमठा में आए, पारोला में आए, पालीताना में कुक है इनका, बम्बे मसी बंदर में भी इनकी स्ट्रीट है पूरी सेठ नरसिंह माता की। तो जैसे मैं नालंदा से आता हूँ ना, तो मेरे यहाँ भी एक जैन मंदिर काफ़ी मशहूर है वहाँ पे, पावापुरी में। पावापुरी में, हाँ, तो दोनों का कुछ लिंक है यहाँ पे? ना, कुछ लिंक नहीं। वो भी जैन दरासर ही है, मतलब जैनों का ही है। हाँ हाँ, उनसे कोई लिंक नहीं रहता। अच्छा। बहुत सारे जगह पे दरासर है, कोई दरासर से किसका लिंक नहीं रहता। अपने गाँव का दरासर है, जैन समाज का मंदिर। बिल्कुल, समझ गए। दरासर बोलते हो अपन वैष्णव समाज में, अपन मंदिर बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। इन लोग का कास्ट में हर जगह पे दरासर होएगा, कोई दरासर से कोई दरासर का लिंक नहीं। ठीक, सब अलग अलग होते हैं, सबका ट्रस्ट अलग होता है ना। सुखा ये था जैन दरासर नलिया। आगे चलते हैं यहाँ से। रुद्रा परिवार नो कुल देवी 13। तो भाई मैं अभी पहुंचा हूँ 13। 13 एक गांव है और अभी मुझे, जब मैं पेट्रोल ले रहा था एक पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे कुछ लोकल भाई मिले थे मुझे और उनसे मुझे यहाँ की जानकारी मिली। तो उनके अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार, जो उन्होंने मुझे बताया उसके अनुसार, ये गांव एक हेरिटेज विलेज है और यहाँ पे एक फोर्ट है और 3 लेक्स हैं। तो मैं अभी वहीं देखने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या है यहाँ और क्या देख सकते हैं। वो एक किला है ना यहाँ पे, वो रिफ्यूजी मूवी की शूटिंग वगैरह हुई थी ना वहाँ। हाँ। वो देखना चाह, वो देखना यार, ये जो रास्ता याद है ना। हाँ हाँ, वो सामने वो गद देखेंगे लोग, अंदर आके जाने नहीं मिलेगा, बंद है। बंद है, आराम होएगा तो अंदर से लगेगा, उसमें तो जा रही है और कुछ तो है नहीं। अच्छा, बाहर से तुमको मिलेंगे, ये जो छोकरी भाई और जाती है ना। हाँ हाँ, इससे इधर सीधा जाएगा। ठीक है, वहाँ किसको कुछ भी ना, किले का रास्ता कहाँ है। अच्छा ठीक है, अंदर किले में आदमी रहता है तो लाएंगे, तो खुला होएगा नहीं तो बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, थैंक यू। सो भाई बहुत कन्फ्यूजन है, मैं भी ना ऐसी ऐसी जगह पे ढूंढ के आ रहा हूँ ना, यहाँ कुछ है ही नहीं। ओहो, तो ये रहा एक टूटा फूटा सा किला। किला ना मेन दरवाजो आवा जी, आ किलो ना दरवाजो, किलो ना दरवाजो, अंदर जावा ना दी दे, अंदर जावा ना देता, बंद होए, बंद हो, यहां पे छेन पांच छठ अंदर जावा ना दी दे। कई बाजू थी सारू दिखाई थोड़ो। लोकेशन? हाँ, आवाज़।
ઓકે આ બધું ઝાડ ને બધું છે અહીંયા ની ક્લિયર છે તો આ જઈ શકીએ ને અહીંયા ઓકે થેન્ક યુ सुगा जी ये टेरा फोर्ट लेकिन अभी ये बंद है ये बंद ही होता है आप बंद है जो है के बंद होता है सब दिन बंद होता है और यहाँ पे तीन लेक बताते हैं तीन तालाब है वो इधर ही पीछे ये इधर पानी भरा ना उस तरह से भरा ये पानी तो रास्ता है उधर रास्ता है ना जिधर से आप लोग आ रहे थे वो अच्छा ये एक दरवाजा है यहाँ पे और इधर कुछ और सब कुछ टूट फूट चुका है यार कुछ बच नहीं रहा है एक बोर्ड लगा है प्रोजेक्ट ऑफ टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सूचना पट लिखा हुआ है उसके अनुसार ये फोर्ट लगभग 400 साल पुराना है 400 साल पुराना मतलब काफ़ी पुराना है गाइस ये है तेरा विलेज हेरिटेज विलेज एक किले के नाम पे कुछ दीवारें बाकी है एक आगे से जो गेट हमने देखा था वो है और यहाँ पे हैं इस तरह के तीन तालाब बताते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं तो अगर आपको इस भूले बिसरे इतिहास में दिलचस्पी है तो यहाँ पे आ सकते हैं और भाई यहाँ पे देखो कितने सारे पैरोट पता नहीं मोबाइल में आ रहा है या नहीं लेकिन बहुत सारे हैं बहुत सुंदर सा फॉर्मेशन बना के उड़ रहे हैं ये देखो वाह ये मज़ा आ गया यार तो बस यहाँ से चलते हैं अब आगे और पहुँचते हैं सीधा मंडवी वेलकम टू मांडवी भाई हम पहुंच गए हैं मांडवी और अभी समय हुआ है 4:20 मैं अभी पहुंच गया हूं मांडवी बीच अभी थोड़ी देर पहले मैं आया था यहां पे और एक गेस्ट हाउस में मैंने रूम ले लिया है एक सिंपल सा रूम बस अपना तो सिंपल सा ही होता है भाई तो बस एक रूम ले लिया है और अभी मैं बीच पे आया हूँ सनसेट इंजॉय करने के लिए अभी यहाँ से सनसेट देखेंगे और फिर आगे जाएंगे वापस अपने होटल गेस्ट हाउस तो आप भी देखो सनसेट सनसेट भाई आज सुबह से ही ना मौसम बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा है हर तरफ धूम सी छाई हुई है तो आज सनसेट भी इतना साफ क्लियर दिख नहीं रहा और ये रहा आपका मांडवी बीच तरीके से एंजॉय कर रहे हैं ये है मांडवी बीच मैं यहाँ पे आया हूँ भुट्टा खाने के लिए ये बन रहा है हमारा भुट्टा और इसमें चीज वगैरह डाल के बनाएंगे बेल के जैसा ये मक्के पे चीज तो फूड में जितनी तरह की एक्सपेरिमेंट आपको गुजरात में मिलेगा ना उतना कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बड़ा
और ये मांडवी सेल्फी पॉइंट, आई लव मांडवी। लोग यहाँ पे बैठ के सेल्फी लेते हैं। अभी लगभग हर पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पे बन गया है, हर जगह मिल जाता है। सनसेट हो चुका है, अब अंधेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है, तो बस अब चलते हैं यहाँ से अपने रूम में, अपने गेस्ट हाउस में। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर देना। तो बस गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।